नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। नमस्कार, मैं हूं रोहन मंगई और तमाम खबरें, तमाम अपडेट सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज इंडिया पर। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की 59 सीटों पर लड़ाई, तीसरे चरण के लिए डाली जा रही है वोट, यानी मतदान शुरू हो चुका है। 16 जिलों की 59 सीटों पर मुकाबला जारी है। न्यूज इंडिया पर हम लगातार आपको तमाम अपडेट दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं और स्टूडियो में हम विश्लेषण भी कर रहे हैं कि क्या रहे मुद्दे, विकास ही मुद्दा था या तमाम तरह के दूसरे मुद्दे इस वक्त यूपी के चुनाव में है। बिल्कुल, तो यूपी की तीसरी जंग में किसका पलड़ा भारी है? लोकतंत्र का महापर्व आज है, तीसरे चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में और पंजाब में 117 सीटों पर आज वोटिंग है। तो न्यूज इंडिया पर दिन भर महा कवरेज जारी रहेगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, 59 सीटों पर मतदान है और 2017 में 49 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थी। और अगर पंजाब की बात कर ले तो आज 117 सीटों पर यहां पर मतदान हो रहा है। हमारे साथ राहुल लाल जी बने हुए हैं, विश्लेषण भी कर रहे हैं। राहुल जी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले, क्योंकि आज पंजाब में 117 सीटों पर मतदान है और यहां पर चन्नी सिद्धू, अमरिंदर सिंह, भगवंत मान के भाग्य का आज फैसला होना है। सभी 117 सीटों पर आज मतदान होना है पंजाब में। और यहां पर सबसे अहम चीज है कि यहां के मुद्दे जो है वो बहुत ज्यादा अलग है। तो पंजाब की सभी 117 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है और सुबह से ही तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भगवंत मान भी गुरुद्वारे में मत्था टेकने गए, चन्नी भी मत्था टेकने गए और उसके बाद भगवंत मान की अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए तस्वीरें भी सामने आई। तमाम लोगों से हम बात कर रहे हैं, सहयोगियों से हम बात कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो की हर तस्वीर सबसे पहले न्यूज इंडिया पंजाब से आपको दिखा रहा है। और इस बार पंजाब का चुनाव बेहद दिलचस्प हो चुका है क्योंकि कई नई पार्टियां मैदान में भी हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने बुरी तरह से हराएगी और अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है तो यहाँ पर संवाददाता विवेक तिवारी बात कर रहे थे शिवपाल सिंह यादव से। आज जसवंत नगर सीट पर भी मतदान होना है। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो तमाम दिग्गज ऐसे हैं जिनकी साख आज दांव पर लगी है, लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम सीट है करहल, जिस पर सभी की निगाह टिकी हुई है। तीसरे चरण की सबसे हॉट सीट करहल है, जहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की साख दांव पर है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर SP बघेल को उतारा है, लेकिन क्या बघेल कांटे की टक्कर दे पाएंगे यहां पर अखिलेश यादव को? हालांकि जनता का कहना है कि एक तरफा वो अखिलेश को वोट देगी, लेकिन यहां पर मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जो जनता पहुंचेगी वो ही तय करेगी कि करहल में किसे वो अपना नेता चुनेंगे। लगातार तस्वीरें जो है वो आपको दिखाई जा रही हैं, मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और न्यूज इंडिया भी लगातार आपसे अपील कर रहा है, घर से बाहर निकलिए, वोट दीजिए, लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में शामिल होइए। तीसरे चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश में और ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तमाम पोलिंग स्टेशन पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और इसी तरह से लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पर सामने आती हैं। ये अपने मताधिकार का प्रयोग करने आई हैं, दुल्हन है और इन्होंने चुना अपने मताधिकार का प्रयोग करना, तो ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें आती हैं। और शायद दूल्हा और दुल्हन दोनों ही यहाँ पर साथ में मौजूद हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और इस वक्त सबसे जरूरी काम जो इन्हें लगा वो है अपने मताधिकार का प्रयोग करना। तो आपने देखा तमाम तस्वीरें इस वक्त हमारे पास सामने आई, फर्स्ट टाइम वोटर्स आए, साथ ही साथ ये दूल्हा दुल्हन है जो आज फिरोजाबाद की ये तस्वीरें हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो अच्छा भविष्य इसकी सबको उम्मीद है और वो तभी होगा जब आप अच्छा मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल, इस बीच बड़ी खबर ये भी आ रही है कि कई जगह से EVM खराब होने की खबरें सामने आई है। एटा की मरहरा विधानसभा में भी EVM मशीन के खराब होने की तस्वीरें सामने आई। बूथ नंबर 2 पर EVM खराब हुई, जिसकी वजह से मतदान कुछ समय के लिए रुका हुआ है। वहीं ये तस्वीरें फरुखाबाद से भी सामने आई, शिकायत जो है वो देखने को मिली।
संवाददाता पीयूष हमारे साथ बने हुए हैं हाथरस से। पीयूष, इस वक्त हाथरस में क्या तस्वीरें हैं मतदाताओं में, अब क्या उत्साह देख पा रहे हैं आप? देखिए, सुबह से जिस तरह से मतदाता ग्रामीण क्षेत्र में हम पहले थे और अब शहरी क्षेत्र में हैं, और लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पर ये महाविद्यालय है, सेठ फूलचंद बगला महाविद्यालय है, और यहाँ पर मतदाता लगातार भीड़ आप देख सकती हैं उनकी अंदर जा रही है, वोट कास्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर सुरक्षा की भी सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं, चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच यहाँ पर वोट कास्ट हो रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर एक तस्वीर साफ नजर आ रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस वक्त आप खुद भी देख रही होंगी कि महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर आ रही हैं और वो अपना वोट कास्ट कर रही हैं। महिला सुरक्षा और उसके अलावा विकास, ये तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर यहाँ पर जो कि मैंने बातचीत की, जो फर्स्ट टाइम के वोटर थे या फिर जो कई बार वोट कास्ट कर चुके थे वो जब आ रहे थे तो उन लोगों ने सीधे तौर पर कहा महिला सुरक्षा और विकास ये दो बड़े मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आज वो अपना वोट दे रहे हैं, अपने लिए अपनी सरकार चुन रहे हैं। यूज कई जगह से मतदान जो था प्रक्रिया लेट हुई क्योंकि ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही थी। एटा से खबर आई, फरुखाबाद से भी इस तरह की खबर आई, तो क्या ईवीएम मशीनें बदल दी गई हैं वहां पर, मतदान शुरू हुआ है? तो मेरे सहयोगी पीयूष जुड़े हुए हैं। पीयूष, कई जगह से ईवीएम खराब होने की खबर भी सामने आ रही है, फरुखाबाद और एटा से खराब होने की खबर आई ईवीएम, क्या अभी ईवीएम बदली गई है वहां? देखिए, जहां से ईवीएम खराब होने की खबरें आई हैं वहां तत्काल प्रशासन की जो टीमें हैं वो पहुंच चुकी हैं, और कई जगह पर मतदान केंद्र पर जो मतदान की प्रक्रिया रुकी हुई थी उसे सुचारू रूप से शुरू किया जा रहा है ताकि नई ईवीएम वहां पर पहुंचे या उस ईवीएम की तकनीकी खराबियों को दूर करके वहां पर मतदान की प्रक्रिया को सुनिश्चित कराया जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लगातार जो अफसर हैं जो यहाँ निरीक्षण करने आ रहे हैं वो भी लगातार हर एक मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं ताकि सुरक्षा के साथ साथ जो मतदान हो रहा है वो निष्पक्ष मतदान हो सके, इसकी भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं और इसकी भी पूरी तैयारी यहां पर रखी गई है प्रशासन की तरफ से। ताकि ये जानना चाहेंगे आपसे क्योंकि हाथरस के पास ही पड़ता है मथुरा, और मथुरा में इस बार एक बार फिर से बीजेपी ने कहीं ना कहीं कृष्ण मंदिर का जो मुद्दा उठाया था, क्या ये एक फैक्टर हो सकता है इस चुनाव में? हाथरस की जनता क्या कहती है, कुछ अगर बातचीत हो पाए लोगों से? बिल्कुल, मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा, जो हाथरस के लोग हैं यहाँ पर उनसे जानना चाहूंगा। हाथरस के बगल में मथुरा है, मथुरा में कृष्ण के मंदिर को लेकर काफी चर्चाएं हुई हैं, ऐसे में क्या लगता है उसका कोई इफेक्ट यहाँ पर आपको दिखाई देता है? क्यों नहीं होगा, इफेक्ट तो होगा ही होगा, इफेक्ट होगा, बिल्कुल होगा। तो आपने अभी अपना वोट कास्ट किया है, किन मुद्दों पर आपने अपना वोट किया? विकास के नाम पर वोट दिया है, विकास को लेके वोट दिया है। आपके साथ आपकी पत्नी है, आपने भी अपना वोट दिया है, किन मुद्दों को लेकर आप अपना वोट कास्ट करके आ रही हैं? वही विकास के लिए, विकास के लिए। उसके अलावा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुरक्षा हो रही है। बिल्कुल पीयूष, आपका रुख करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, कन्नौज की तीर्वा विधानसभा में ईवीएम खराब हुई है, बूथ संख्या 218 और 330 पर ईवीएम मशीन खराब होने की खबरें आ रही है। ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान प्रभावित हुआ है, एसपी ने ट्वीट कर चुनाव आयोग से शिकायत की है, संज्ञान ले चुनाव आयोग। ईवीएम मशीन खराब होने से मतदान बाधित हुआ है, कन्नौज से खबर यहां पर सामने आ रही है जहां पर मतदान बाधित हुआ है। मेरे सहयोगी पीयूष हाथरस से जुड़े हुए हैं। पीयूष, हाथरस में मुद्दा भी उठा था, कानून व्यवस्था का भी मुद्दा उठा था, तो इस वक्त जो तमाम वोटर यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने आ रहे हैं उनके दिमाग में क्या ये भी एक बात है कि कानून व्यवस्था सही होनी चाहिए उत्तर प्रदेश की, उसी के लेकर वो वोट डालेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। अब से थोड़ी देर पहले जब मेरी बातचीत हो रही थी यहाँ पर कुछ बच्चियों के साथ, और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि, और जब मैंने उनसे जिक्र भी किया, हाथरस कांड का जिक्र किया, तो उन्होंने कहा वो एक कांड, एक हादसा था और उससे अब ऊपर उठ चुके हैं, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। उसके अलावा उन्होंने तमाम ऐसी बातें कही, उन्होंने कहा हम बेटी हैं और आज हम कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और साथ ही साथ महिलाओं की शिक्षा, इन मुद्दों के आधार पर अपना जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं, अपनी सरकार चुन रहे हैं। हाँ बिल्कुल पीयूष, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पिछली बार के चुनावों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर फायदा हुआ था,
लेकिन इस बार बताया ये जा रहा है कि जो कुनबा है वो एक साथ है, यानी यादव कुनबा एक साथ है, कोई खींचतान नहीं, कोई फूट नहीं, क्या वाकई में ऐसा है? बिल्कुल पीयूष का रुख करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कानपुर देहात की, भोगनीपुर में भी ईवीएम मशीन के खराब होने की खबरें आ रही हैं। भोगनीपुर के बूथ संख्या 121 पर ईवीएम खराब हुई है और एसपी का बटन दबाने पर भारतीय जनता पार्टी की और जैसा कि हमने आपको बताया कि लगातार हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, कोई भी खबर कोई भी तस्वीर आपसे छूटेगी नहीं। न्यूज इंडिया पर हमारे सहयोगी विवेक तिवारी ने बात की तेज प्रताप यादव से, देखिए। हमारे साथ तेज प्रताप यादव हैं, समाजवादी पार्टी से सांसद रहे हैं, यादव परिवार के अभिन्न हिस्से हैं। तेज प्रताप जी, हम यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, ज़्यादातर लोग कह रहे हैं औपचारिकता है, लड़ाई तो कुछ है नहीं, बाकी जो तीसरे फेज में है आप क्या देख रहे हैं आज? कासगंज से शुरू करते हैं। कासगंज है एटा, फरुखाबाद, कन्नौज, औरैया, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कानपुर देहात, ये वो जिले हैं जहाँ 2012 में समाजवादी पार्टी ने ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप किया था एक दो सीटों को छोड़ के। और इस बार भी जो जहाँ पिछले बीजेपी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन जो इस बार समीकरण जो है बीजेपी के खिलाफ में है, जिन वादों को लेकर बीजेपी भी सत्ता में आई थी, इन सभी जिलों का बड़ा जो है अपेक्षा की गई और लोगों को के साथ में, मैं कहता हूँ सौतेला व्यवहार इन जिलों के साथ किया गया, और इस बार जनता वापस समाजवादी पार्टी को रुख कर रही है और बड़ी मार्जिन से हम लोग सीटें जीत के सभी जिलों में आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि तीसरे फेज तक हम जो है कंफर्टेबल जीत की स्थिति में आ जाएंगे और उसके बाद बोनस, चार फेज में वो कह रहे हैं 200 तक हम पहुंच रहे हैं, क्या अनुमान है आपका आज? देखिए, जिस तरह का रुझान आ रहा है, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज की 55 सीटें थी, वहाँ ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप सेकेंड फेज में हुआ है, तो लगभग चार फेज के बाद बहुमत के आंकड़े के इर्द-गिर्द पहुँच जाएंगे और जितना पूर्वांचल की तरफ चुनाव बढ़ेगा और तेजी के साथ समाजवादी पार्टी की साइकिल जो है चलेगी। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, हमने शुरू में भी देखा जिन्ना का इशू उठाया गया, फिर कैराना का इशू उठाया गया, अब हिजाब का इशू उठाया जा रहा है, आजमगढ़ का एक लड़का जिसको सज़ा मिली है अहमदाबाद ब्लास्ट में, उसका इशू उठाया जा रहा है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है थोड़ा सा धार्मिक ध्रुवीकरण और तेज़ी से किया जा रहा है, क्या लग रहा है आपको, इसके पीछे कोई कारण है? ये फर्स्ट फेज में बीजेपी को बड़ी उम्मीद थी, कम्युनल कार्ड प्ले करके वो है वोट लेना चाह रहे थे, क्योंकि पिछली बार हुआ भी ऐसा पश्चिम उत्तर प्रदेश में, इस बार वहाँ के किसानों ने, वहाँ के नौजवानों ने कम्युनल कार्ड को पूरी तरह से फेल कर दिया, सेकंड फेज में भी नहीं चला, फिर कानून व्यवस्था का मुद्दा लेके आए, परिवारवाद का मुद्दा लेके आए, कोई जो उनका जो है कार्ड जब नहीं चल रहा है तो वापस से घूम के अब जो है आतंकवादी और ये इन सब चीज़ों को लेके आ रहे हैं, लेकिन जनता की जो मूलभूत मांग है, जो जनता के मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने का जो प्रयास ये कर रहे हैं, जनता उनके प्रयासों को विफल करेगी और जनता अपने मुद्दे पर चुनाव बात करेगी। 2017 में हमने देखा परिवार में थोड़ा सा अलगाव हुआ, इस बार इंटैक्ट है, पूरा परिवार एकजुट है, इसका फ़र्क आप देख रहे हैं अपने मतदाताओं पर, अपने समर्थकों पर? बिल्कुल फ़र्क है, लोगों बिना कन्फ्यूजन के, बिना किसी विवाद के सभी कार्यकर्ता चुनाव में लगे हुए हैं और एक ही लक्ष्य है समाजवादी पार्टी के साथ। तो इस बीच बड़ी खबर आ रही है कानपुर देहात की, भोगनीपुर में भी ईवीएम मशीन खराब होने की खबरें सामने आई। भोगनीपुर के बूथ संख्या 121 पर ईवीएम मशीन के खराब होने की खबरें आ रही हैं और यहां पर कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का बटन दबाने पर बीजेपी की पर्ची निकल रही है, ये समाजवादी पार्टी का कहना है। एसपी ने इस पर ट्वीट किया है और चुनाव आयोग से शिकायत भी दर्ज कराई है। समाजवादी पार्टी ने यह शिकायत की है कि समाजवादी पार्टी का बटन दबाने पर बीजेपी को वोट जा रहा है। और कानपुर से मेरे सहयोगी रवीश वर्मा जुड़ चुके हैं, रवीश का रुख करते हैं, तो रवीश कहां पर आप इस वक्त खड़े हैं और किस तरह की तस्वीरें इस वक्त कानपुर से नजर आ रही? देखिए, इस टाइम मैं महाराजपुर विधानसभा के पोलिंग बूथ 238 पर खड़ा हूँ और सुबह से ही शिकायतें आ रही है कि मशीन जो ईवीएम मशीन है वो कहीं चालू नहीं हो पा रही है, कहीं बटन दबाते हैं तो किसी और पे वोट चला जाता है, लेकिन इसके बीच अगर बात करें तो जो मतदान करने वाले लोग हैं वो लगातार पोलिंग बूथ पे आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं, कहीं कहीं भी जो सपा के कैंडिडेट हैं वो शिकायत भी कर रहे हैं कि कहीं कहीं मशीन खराब है और कहीं कहीं ईवीएम बोर्ड पे अगर बटन दबाते हैं तो किसी और को वोट जा रहा है, और इसी तरह जो दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, वो भी अपना वोट मतदान करने पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो लगातार इस वक्त बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। में आती हैं उत्तर प्रदेश में आती हैं, पहले कहाँ आती थी, पहले नॉर्थ साउथ इंडिया में जाती थी, आज अगर डेटा सेंटर्स की बात है तो यहाँ पर होड़ लगी हुई डेटा सेंटर लगाने की, कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आज उत्तर प्रदेश में आई हैं और ये हमारे सारे के सारे इंडस्ट्रियल एरिया कानपुर के वीरान पड़े रहते थे,
आज चमकते हैं, वहाँ पर रौनक है। सर, कानपुर के जनता के लिए कुछ मन की बात? मन की बात यह है कि जो जनता ने विश्वास दिया है, मैं लोगों को ये कहता हूँ कि लोग पॉलिटिकल लोग कहते हैं कि जो हमने कहा वो किया, मैं अपनी जनता को कहता हूँ जो जनता ने कहा वो मैंने किया और वही करूँगा। दो सवाल ये थे हमारे बीजेपी के प्रत्याशी सतीश महाना जी, उन्होंने अपना पूरा पक्ष रखा, बेबाक तरीके से अपनी बात कही सब, और इस ये 238 नंबर बूथ है, ये महाराज यहाँ पर वो वोट डालने आए हैं, और अब आने वाली लहर बताएगी कि बीजेपी आएगी या साइकिल चलेगी। कैमरा पर्सन राज बिस्ट के साथ रागनी पांडे, न्यूज इंडिया, कानपुर। तो उत्तर प्रदेश की 59 सीटों का इस वक्त चुनाव चल रहा है, और अगर हम बात करें पिछले चुनावों की तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ था, लेकिन इस बार शायद कहानी थोड़ी अलग हो, क्योंकि इस बार कुनबा बाहर से तो एकजुट नजर आ रहा है। शिवपाल यादव भी साथ हैं, मुलायम सिंह यादव भी, अखिलेश यादव भी, पूरा परिवार एक ही रथ में नजर आ रहा है सवार। लेकिन देखना यह होगा कि वाकई में जो नजर आ रहा है वो जमीन पर कितना प्रभावी है, और जब नतीजे आएंगे तो ये सारी चीजें सामने आएंगी। करहल में भी आज जबरदस्त मुकाबला है, और आप देख सकते हैं जहां पर अखिलेश यादव के सामने एसपी बघेल को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, और शायद कोशिश यही रही है कि अखिलेश यादव अपने गढ़ में फंस कर रहे, ज्यादा इधर उधर ना घूम पाए, ज्यादा प्रभाव बाकी सीटों पर ना डाल पाए, और इसीलिए एसपी बघेल को करहल में उतारा से इसको कवर किया गया है, और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह पर्याप्त फोर्स लगाया गया है। सर, अभी तक जितने भी बूथ यहाँ पर है, जितने भी पोलिंग चल रही है, वहाँ पर आप कैसे नजर बनाए हुए हैं? वहाँ पर कैमरे भी लगाए गए हैं, और सभी जगह पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट सभी घूम रहे हैं बराबर, और कहीं से भी कोई ऐसी सूचना नहीं है कि कहीं कोई गड़बड़ी हो। कितने सेंसिटिव पोलिंग बूथ है यहाँ पर? सेंसिटिव बूथ हमें जो क्षेत्र मिला है ये इसमें तो काफी है, बल्कि ये शांत एरिया है अपेक्षाकृत और जगहों से, ठीक ही है सब। चुनाव चल रहा है, यहाँ पर महिलाएं भी आ रही हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए कितनी महिला पुलिसकर्मी तैनात की गई हैं? ज्यादातर हर सेंटर पर प्रयास किया गया है कि इसमें एक कम से कम महिला कर्मी कोई जरूर रहे, एक महिला कम से कम एक। ये थे हमारे साथ डीसीपी, जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी बात बताई, और चुनाव की जगह पर कितने पुलिसकर्मी तैनात है और कितने महिला। बिल्कुल, हमारी संवाददाता रागनी पांडे कानपुर से लगातार ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है, हालात देख रही हैं। वहीं कन्नौज से छिबरामऊ विधानसभा से पूर्व राज्य मंत्री बीजेपी प्रत्याशी अर्चना पांडे ने वोट डालकर न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। भाजपा से छिबरामऊ विधानसभा से प्रत्याशी श्रीमती अर्चना पांडे अभी वोट डालकर निकली हैं। हम आइए सीधे उनसे बात करते हैं। मैम, एक बार क्रॉस सिंबल आप दिखा दीजिए न्यूज इंडिया पर। मैम, क्या कहना चाहेंगे? जनता चुनाव जीत रही है, जनता की पूरी मनोभावना है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, और जनता वोट दें और वोट डाल रही है जनता, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप महिला प्रत्याशी हैं, महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि मेरी छिबरामऊ विधानसभा में जीत में मेरी 50% की पूरी भागीदारी मेरी बहनों की, मेरी भाभियों की, मेरी भतीजियों की होगी, जो पूर्णतः मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त करते हुए इस समय लंबी लाइनें लगा करके वोट डालने का काम कर रही हैं। विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में माताओं बहनों का जो मुझे आशीर्वाद और स्नेह मिलता है, उसके लिए मैं हमेशा उनकी ऋणी रहूँगी, और उनके इस कर्ज को उतारने का आजीवन प्रयास करती रहूँगी। तो ये थी हमारे साथ बीजेपी की पूर्व राज्य मंत्री और छिबरामऊ विधानसभा से प्रत्याशी श्रीमती अर्चना पांडे, जिन्होंने कहा है कि महिलाओं का साथ उन्हें भरपूर हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए, तमाम अपडेट सबसे पहले मैं आप तक पहुंचा रहे हैं, और इस वक्त का महोबा का अपडेट आपको बता दें, अभी तक 8.5% मतदान हो चुका है। तो तमाम अपडेट आपको सबसे पहले हम न्यूज इंडिया में बताते रहेंगे। महोबा की अगर बात करें तो 9 बजे तक 8.5% मतदान हो चुका है। जैसे तमाम अपडेट हमारे पास आएंगे, ये सारे अपडेट हम आपको बताते रहेंगे कि किस जिले में कितना मतदान हुआ। तो ये महोबा का अपडेट है, 9 बजे तक 8.5% मतदान हो चुका है। बिल्कुल, तो वोट परसेंटेज आपको बताया जा रहा है, महोबा में 8.5% मतदान जो है वो अब तक हो चुका है। जो हाथरस में हुआ था, पर आगे नहीं होगा, हम उस सरकार को वोट देंगे जो आगे ऐसा कभी नहीं होने देगी, हम सबके लिए सुरक्षा रखेगी। देखिए, यहाँ पर जो महिलाएं हैं और जो भी यहाँ पर वोट कास्ट शहीद सिंह वर्गे हजारा योद्धा ने
कुर्बानियां देके सानू वोटर कार्ड लेके दिता है। इस वोट के अधिकार का जरूर इस्तेमाल करो, जिन्हों मर्जी पाओ पर अपनी मर्जी ना पाओ। बिल्कुल, तो भगवंत मान को आपने सुना। सबसे अहम चीज है कि हम लगातार कह भी रहे हैं और यही बात भगवंत मान ने भी दोहराई थी, मतदान जरूर करना है लेकिन अपने मत का दान नहीं करना है। सोच समझ कर उस व्यक्ति को चुने जिसके जरिए आपको लगता है कि आपके जो मुद्दे हैं वो पूरे हो सके। न्यूज इंडिया भी लगातार अपील करता है, घर से बाहर निकलिए, वोट दीजिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में शामिल होइए। पंजाब में 2017 में 117 विधानसभा सीटों के क्या नतीजे थे, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को यहां 22 सीटें मिली थी, वहीं शिरोमणि अकाली दल को 15 सीटें मिली थी, और अगर यहां पर हम बात कर लें बीजेपी की तो सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गई थी भारतीय जनता पार्टी। और अब कांग्रेस की बात करें तो 77 सीटों पर कांग्रेस ने यहां पर कब्जा किया था। तो पंजाब में 2017 में क्या नतीजे थे ये हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाए, और अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो यहां पर 2017 में क्योंकि आज 59 सीटों पर मतदान है तो 49 सीटें ऐसी थी जो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में गई थी, एक कांग्रेस और एक समाजवादी पार्टी, माफ कीजिएगा, एक बसपा को मिली थी। लगातार आपको नतीजे बता रहे हैं और इस बार का चुनाव बहुत ज्यादा खास इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको याद होगा कि पिछली बार एक लहर थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर है। रमन, कहा जा सकता है कि पिछले चुनाव में बीजेपी की लहर और उससे पहले समाजवादी पार्टी की लहर, लेकिन इस बार दोनों ही पार्टियां कड़ी टक्कर कर रही है। बिल्कुल, राहुल लाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल लाल जी, दरअसल अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो पिछले चुनाव में अगर हम जिस यादव लैंड की बात कर रहे हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई थी, लेकिन उसमें कारण ये दिया गया कि जो शिवपाल यादव हैं, जो समाजवादी पार्टी का कुंबा है, वो बिखरा हुआ है। लेकिन इस बार क्या चीज़ें बदली हुई नजर आएंगी समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है कि अगर 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की थी और विशेषकर बिल्कुल यादव लैंड के ऊपर, जिसको लेकर कि सबों को काफ़ी उस समय आश्चर्य भी लग रहा था, लेकिन हम लोग जैसा आपने कहा भी कि वहाँ पर शिवपाल यादव अलग थे, जनता के बीच में जो मैसेज जा रहा था वो मैसेज बिल्कुल उस रूप में नहीं जा पा रहा था। लेकिन इस समय जिस प्रकार की तस्वीरें दिखाई गई कि अभी अखिलेश यादव भी हैं, शिवपाल यादव भी हैं और मुलायम सिंह यादव भी जो है कि चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो उसका एक अलग सा प्रभाव जरूर है यहाँ पर। और हम लोगों को इसके साथ ही साथ भूलना नहीं चाहिए कि किसानों का मामला केवल प्रथम और द्वितीय चरण में समाप्त नहीं हुआ है, आलू बेल्ट का ये मामला है, खेती किसानी का मामला इस जगह पर भी है। और जो एक देखिए भारतीय जनता पार्टी जो कि एक तरह से कानून व्यवस्था का मामला को काफ़ी गंभीरता से उठाती रही है कि भाई हमारे समय में जो कि बुलडोजर चल रहा है, हम कानून व्यवस्था का बड़ा गंभीरता से ध्यान रखते हैं, तो इसमें हाथरस की भी सीट है और हाथरस के सीट को उसका अपराध के रूप में देखा गया था। वो प्रतिशत आ गया है कानपुर से भी 9 बजे तक, यहाँ पर आपको बता दें कानपुर देहात में 6.1% का मतदान अब तक हो चुका है, कासगंज में 9 बजे तक 9.42% मतदान हो चुका है, महोबा में 9 बजे तक 8.5% मतदान हुआ है। अलग अलग जिलों में क्या वोट प्रतिशत रहा है 9 बजे तक वो आपको बता रहे हैं। कानपुर में 9 बजे तक 5.8% का मतदान। विवेक तिवारी हमारे साथ हैं करहल से। विवेक, इस वक्त आप जहां पर हैं उस सीट पर सभी की निगाह टिकी हुई है और करहल सबसे ज्यादा हॉट सीट, हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि अमित शाह ने भी कहा था कि आप बस करहल में आशीर्वाद दे दीजिए, बाकी उत्तर प्रदेश में आशीर्वाद जनता दे देगी। जी बिल्कुल, अमित शाह ने यह कहा था कि करहल की सीट अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो वो 300 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत सकती है। अब अगर करहल की सीट नहीं जीती तो फिर क्या होगा, इसका जवाब अमित शाह ने नहीं दिया। बहरहाल मैं आपको बताऊं कि मैं करहल में जैन इंटर कॉलेज पर खड़ा हूँ, ये एक बूथ है जहाँ पर आप देखेंगे कि लोग वोट देने के लिए खड़े हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि जैन इंटर कॉलेज वही है जहाँ पर 1955 में मुलायम सिंह यादव ने कक्षा 9 में प्रवेश लिया था, और उसके बाद इसी कॉलेज में मुलायम सिंह यादव 1984 तक लेक्चरर के पद पर काम करते रहे। हमारे साथ इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं दुबे जी, जो बताएंगे कि नेताजी से इस कॉलेज का क्या रिश्ता है, जो आज बूथ भी है जहां पर आज वोट भी करहल के लिए पड़ रहे हैं, जहां उनके बेटे अखिलेश यादव प्रत्याशी हैं। दुबे जी बताएं कि नेताजी का क्या रिश्ता है और कब वो पढ़ने आए, किस हालात में और क्या था सर? नेताजी का इस विद्यालय से पारिवारिक रिश्ता है, बल्कि ये कहा जाए कि खून का रिश्ता है।
नेताजी इस विद्यालय में 1955 में कक्षा 9 के विद्यार्थी के रूप में यहाँ उन्होंने प्रवेश लिया। क्योंकि गांव उनका यहाँ से बहुत नज़दीक है, 5-7 किलोमीटर, हाँ 5 किलोमीटर से भी कमी होता है, तो यहाँ उन्होंने कक्षा 9 में विद्यार्थी बने, यहीं पहलवानी करना शुरू किया और कक्षा 12 तक 1959 तक यहाँ वो विद्यार्थी रहे। इसके बाद हायर एजुकेशन के लिए शुकाबाद चले गए और वहाँ से हायर एजुकेशन कंप्लीट करके क्या पढ़ाते थे नेताजी यहाँ पर? यहाँ जब वो सहायक अध्यापक थे तब तो वो हिंदी भी पढ़ाया करते थे, विज्ञान भी पढ़ाते थे, गणित भी पढ़ाया करते थे, अंग्रेजी भी पढ़ाया करते थे और सभी विषयों के प्रकांड विद्वान कहा जाए अगर उन्हें, तो इसमें कोई दो राय। 1984 में क्यों छोड़ना पड़ा उनको लेक्चरर पर? उस समय सरकार में कोई ऐसी व्यवस्था आई थी जिसमें लाभ के 2 पद घोषित किए गए थे, तो औपचारिक रूप से फिर उन्होंने यहाँ से त्याग पत्र दे दिया था। हालांकि विधायक वो 1967 में ही बन गए थे, लेकिन उस बीच के पीरियड में जब भी उन्हें सदन में रहना होता था या क्षेत्र के बीच में रहना होता था, चूँकि छुट्टियों की तो समस्या उतनी रहेगी, तो 14 उनके पास केवल कैजुअल लीव हुआ करती थी, बाकी टाइम में लीव विदाउट पेपर क्षेत्र की जनता की सेवा किया करते थे। तो ये आप देखिए कि नेताजी का क्या रिश्ता है करहल से, और ये जो करहल की सीट है 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी इस सीट को नहीं जीत पाई थी जब उसकी लहर 2017 में थी। अगर हम बात करें तो करहल में एक बार 2002 में सोवरन सिंह यादव 1000 वोट से यहां पर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीते थे, बाद में वो खुद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और समाजवादी पार्टी से विधायक रहे 17 तक, और इस बार उन्होंने तमाम जानकारी के लिए तमाम अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। मेरे साथ तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल जी भी जुड़े रहेंगे, रमणीक जी भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे।